नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार होती रहती है क्योंकि विपक्ष धर्म के बल पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटा रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज उत्तर प्रदेश में नजर आए क्योंकि वहां ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टर्स समिट है और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से श्री गणेश हुआ है इस इन्वेस्टर समिट का, उसके बाद उत्तर प्रदेश को नए पर लगेंगे, नए पंख लगेंगे और नए सपनों की उड़ान के लिए उत्तर प्रदेश उड़ेगा। अपने मेगा प्लान से लोगों का दिल भीतेगा। आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हुआ जिसमें कई देशों के उद्योगपति शामिल हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश में निवेश के जरिए विकास को गति दिया जाएगा। इस समिट का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने समिट में करोड़ों के निवेश के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी। इस निवेश के जरिए उत्तर प्रदेश में कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो वहीं युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठे विपक्षी सियासतदान लगातार सियासत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर धर्म को लेकर निशाना साधते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी बताते हैं वो खुद बड़े हिंदू विरोधी हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष यूपी में विकास नहीं चाहता? क्या विपक्ष धर्म के नाम पर जीत के सपने दिखा रहा है? मानस पर मचा बवाल अभी तक शांत नहीं हुआ। इन सब में सवाल यह भी है कि क्या भाजपा अब उत्तर प्रदेश के रास्ते 2024 साधने की कोशिश कर रही है? क्या इन्वेस्टर समिट के रास्ते होकर 2024 की सिंहासन को तय किया जाएगा? तमाम सवालों के जवाब लेंगे, इस डिबेट में आगे बढ़ेंगे। लेकिन छोटा सा रिपोर्ट जो हमने आपके लिए तैयार किया ताकि आप समझ सके कि इस बार उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या कुछ हो रहा है, साथ में विपक्ष कैसे राजनीति कर रहा है। सबसे पहले छोटी सी झलक, उसके बाद डिबेट में आगे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से धर्म और रामचरितमानस को लेकर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी लगातार धर्म को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है तो वहीं बीजेपी इन सभी मामलों को नजरअंदाज करते हुए यूपी के विकास और निवेश पर फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए लखनऊ में आज से 3 दिन तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस समिट में करीब 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार होने की उम्मीद है, साथ ही 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते मैं आपको भरोसा देता हूं कि उत्तर प्रदेश की आज की सरकार, उत्तर प्रदेश की आज की ब्यूरोक्रेसी प्रगति के राह पर दृढ़ संकल्प होकर के चल पड़ी है। वो आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ अग्रदूत बनकर के आपके साथ खड़ी है। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स को हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर निमंत्रण करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है आज वह जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है और निवेश महाकुंभ उसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। उत्तर प्रदेश में आयोजित इस बिजनेस महाकुंभ में 3 दिनों में करीब 34 सत्र होंगे। पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और तीसरे दिन 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे।
ज्यादातर सत्रों में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही इस बार इन्वेस्टर्स समिट में 20 से ज्यादा देशों के 10,000 डेलीगेट्स शामिल होंगे। प्रदेश के बहुत ही लगनशील और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी अप को लगातार सार्थक किया है। अब यूपी मतलब हेल्थ अप, यूपी मतलब एजुकेशन अप, यूपी मतलब स्किल अप, यूपी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अप, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट अप और यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अप, यह हो गया है। वो लोग महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है और ये पब्लिक परसेप्शन जो बनता है वो किसी एक बात को लेकर नहीं, इन टोटलिटी में बनता है। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि गुड गवर्नेंस के आधार पर योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई मोदी जी के मार्गदर्शन में, और फिर से ये स्थिति पैदा हुई है कि उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। ये उसी का परिणाम है कि लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक। एक तरफ यूपी सरकार देश विदेश में जाकर निवेश को बढ़ाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा रामचरितमानस और धर्म को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। रामचरितमानस पर बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। जो हिंदू विरोधी समाजवादियों को बोल रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू विरोधी कौन है, इसको लेकर सियासत जारी है। सियासतदान पिछले कई दिनों से धर्म का राग अलाप रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद बीजेपी यूपी में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश में है। अब देखना यह होगा कि धर्म का मुद्दा और कितना गहराता है और ग्लोबल समिट से निवेश यूपी में कितना विकास लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी, साथ ही आपने देखा कि कैसे इन्वेस्टर्स समिट में बड़े बड़े दिग्गजों का तांता लगा और साथ ही यूपी अब नई उड़ान भरने को तैयार है 2024 के वास्ते से ही। 2024 का जो रास्ता है वो इस बार इस ग्लोबल समिट से होकर निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ वहीं समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों की अगर आप बातें सुने तो उनसे जो प्रतीत होता है, सुबह सुबह अखिलेश यादव हनुमान मंदिर पहुंचे वाराणसी में और उन्होंने कहा कि जो हमें हिंदू विरोधी बताते हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं और इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता भाजपा के हैं। स्वागत है आपका। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस के, स्टूडियो में मौजूद, स्वागत है आपका। अली अब्बास काजमी, समाजवादी पार्टी के नेता, स्वागत है आपका। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद, स्वागत है आपका। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, निदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस IIF के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के इस बड़े मंच पर। और सबसे पहले और जो सवाल है मेरा शरद त्रिवेदी से है, प्रवक्ता है बीजेपी के। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 32,92,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 17,000 से ज्यादा MOU साइन हो चुका है, 25 सेक्टर्स में निवेश के लिए नई नीतियां लागू है, समिट में तकरीबन 22,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है, 92,50,000 से अधिक लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। क्या ये जो खाका है इस बार के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का 2024 की राह आसान करेगा भाजपा की? देखिए, हम लोग जब उत्तर प्रदेश में जीत के आए थे तो सिर्फ एक मुद्दे पर हम लोग जीते थे, सुशासन और प्रगति। हम लोगों को जो है सुशासन देना था और हमको विकास का काम करना था, हम सिर्फ उसी काम पे अभी तक चले। उत्तर प्रदेश की जो हालात थे जब हम लोग उत्तर प्रदेश में आशीर्वाद मिला तो ना उत्तर प्रदेश में सड़कें थी, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो था, जो क्राइम था वो अपने चरम सीमा पे था। तो सबसे पहले जरूरत थी क्राइम को कंट्रोल करने की। क्राइम में अब उत्तर प्रदेश 23वें नंबर पे है, राष्ट्रीय औसत है 246 अपराध एक लाख पे और उत्तर प्रदेश में 152 अपराध है एक लाख पे। तो ये उत्तर प्रदेश में क्राइम पे कंट्रोल किया। उसके बाद जिस तरह आतंकवाद चल रहा था, आप देखें कि जब से भाजपा की सरकार आई है एक भी आतंकी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं घटी है, विदाउट एक्सेप्शन कोई भी आतंकी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं घटी है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी तो 6 एक्सप्रेसवे बनाए गए, मेट्रो बनाए गए,
जो बुनियादी सुविधाएं दी गई और 12,000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाया गया है। क्योंकि जब भी निवेश की बात होती थी वो लोग कहते थे कि साहब हमें जमीन दीजिए, तो जमीन नहीं थी, तो अब उन लोगों ने 12,000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बना दिया है। ये अभी एग्जिस्टिंग लैंड बैंक है और जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी, जैसे जैसे निवेश बढ़ेगा, लैंड बैंक को बढ़ाया जाएगा। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, डिफेंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, मीडिया, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये विकास की जो अविरल धारा चल रही है ये आगे भी निरंतर चलती रहेगी। और आपने खुद ही अभी बताया कि 18,000 MOU साइन हो चुके हैं। 9 जो हमारे शहर हैं उनमें हमारे जो मंत्री गए थे उन्होंने 1700 कंपनियों से बात करी है, वो उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो अंग्रेजी में कहते हैं कि द कंज्यूमर इज द बेस्ट जज, तो जो कस्टमर है वो सबसे अच्छा जो न्याय करता है। तो कंज्यूमर है हीरा नंदानी ग्रुप के चेयरमैन जो, मैं आपके पास आती हूँ शरद जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अली अब्बास काजमी भी है, समाजवादी पार्टी के नेता अली अब्बास, बहुत बहुत स्वागत आपका। भाजपा तो बार बार आरोप लगाते हैं कि आप लोग विपक्षों द्वारा लगाया जाता है कि भाजपा सिर्फ राजनीति करती है, चुनावी मोड में रहती है, लेकिन वो दिखा कुछ और रही है, कर कुछ और रही है। अगर है भी ऐसा तो भी आप देखिए उत्तर प्रदेश विकास की राह पे एक्सप्रेस वे तो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक्सप्रेस वे पर दौड़ने को विकास की जो इंजन है उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत हो रही है, आप तो पीछे रह गए, रामचरितमानस करते रह गए। जी कहाँ हम रामचरितमानस करते रह गए मैडम। आप ये देखिए जो एक्सप्रेस वे है ये किसने बनवाया था एक्सप्रेस वे, जिससे आज दिल्ली से लखनऊ जो है समिट पे जा रहा है, जो आपने जो बुलाया है जिन इन्वेस्टर्स को, वो आज हमारे ही बनवाए हुए एक्सप्रेस वे से निकल के जा रहे हैं। हाँ। इस बात का भी जिक्र कर दिया कीजिए कभी कभी। हाँ। कि लखनऊ दिल्ली और लखनऊ आगरा लखनऊ हाईवे किसने बनवाया, ये आज जो समिट पे लोग जा रहे हैं, आप लोग तो अभी गड्ढे भरने में लगे हुए हैं। हाँ। आप लोगों की जो सड़कें उनमें भी गड्ढे हैं और वो धस गई है गड्ढे जो सड़कें उनसे। अखिलेश यादव जी ने सुबह सुबह कहा कि हिंदू विरोधी हम नहीं, हमें जो कहते हैं हिंदू विरोधी वो खुद है हिंदू विरोधी। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बोल रखे हैं, उसके बाद सवाल पूछा गया उनसे, हिंदू विरोधी पार्टी है समाजवादी पार्टी, कह रहे विरोधी है, विरोधी होंगे हिंदू विरोधी, हम तो नहीं है लेकिन सपोर्ट करते नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य के, अखिलेश यादव। इस बात का आप लोग जो है ज्यादा बखान करते हैं। अच्छा, कोई ना हिंदू विरोधी है ना कोई हिंदुस्तानी विरोधी है। तब ये मीडिया पे ज्यादा इसका बखान हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान को आप तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं या हमारे किसी और नेता के बयान को तोड़ मरोड़ के करते हैं। हम समाजवादी हैं, हम सच्चे हिंदू हम ही हैं, हम सच्चे हिंदू कहने के हकदार हैं, बाकी हम ढोंगी नहीं हिंदू नहीं है, हम दिखाते के हिंदू नहीं। अखिलेश यादव बयान देते हैं और तोड़ मोड़ के मीडिया दिखाती है। अखिलेश यादव कहते हैं हिंदूइज्म और हिंदू विरोधी दूसरे विपक्षी पार्टियां होंगे, हम तो नहीं, और आप कह रहे हैं हम तोड़ मोड़ के दिखा रहे हैं। हम तो सवाल पूछ रहे हैं सीधा सीधा, विकास की राह पर इंजन लगा के दौड़ रहा है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश, समाजवादी पार्टी अब पीछे रह गई है राजनीति करने में भी और विकास की राह में भी। सीधा सवाल है आपसे काजमी साहब, बताइए ना कैसे नहीं रह गई, बताइए ना, आप भी बताइए, समझाइए आप मुझे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, समझाइए कहाँ 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 आप आ गए, समझाइए। जो दौड़ रहे हैं 4 घंटे में ये किसने दिया है एक्सप्रेस वे, जो आज आप सबमिट कर रहे हैं, जो आज उसकी तारीफ हो रही है वो भी तो जरा बता दीजिए, उसकी तारीफ भी तो कर लीजिए। आपके प्रदेश में, आपके प्रदेश में 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा इस समिट के बाद, खुश नहीं नजर आ रहे हैं आप लोग क्या? छह साल से आप ये कह रहे हैं हम गड्ढे भर रहे हैं आपकी सड़कों में। हाँ। गड्ढे उन्हें भर लीजिए पहले, बनाएंगे तो क्या आप लोग। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, निदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के हमारे साथ। अमन अग्रवाल जी, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है उत्तर प्रदेश में,
इसको हम कैसे देखें? 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का वादा इस समिट के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम हमारे पॉलिटिकल कैनलिस्ट बैठे हैं, स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं। ऐसे में राजनीति अपनी जगह, लेकिन राज्य का विकास अपनी जगह है। क्या इतने बड़े ग्लोबल समिट के बाद 2024, क्योंकि लोकसभा चुनाव को भी इससे अलग नहीं देखा जा सकता, क्या राह आसान होगी बीजेपी की? क्या उत्तर प्रदेश को एक नया बूस्टअप के तौर पर, एक बूस्ट के तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काम करेगा कि यह समिट है, उत्तर प्रदेश को इससे नई उड़ान मिलेगी? अग्रवाल जी, हाँ जी, देखिए, पहली बात तो जो उत्तर प्रदेश का GSDP है वो करीबन 21 से 22 लाख करोड़ के करीब है। जो बजट इस बार बनाया जा रहा है वो 7 लाख करोड़ के करीब उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है। और जो इस इन्वेस्टर समिट में अब तक जो कॉन्ट्रैक्ट्स की साइन होने की बात आई वो करीबन 33 लाख करोड़ है। अगर हम ये सोचें कि 33 लाख करोड़ में से भी 50% इन्वेस्टमेंट आती है, जो नॉर्मली एक साल में नहीं आती है, 1, 2, 3, 4, 5 साल का ड्यूरेशन रहती है अलग अलग प्रोजेक्ट से लेके, जिसमें आई जाए, जब भी एक रुपया निवेश होता है उससे करीबन 3-5 रुपए का अंतर आता है। क्योंकि एक रुपये इन्वेस्ट जब करता है तो इंसान इक्विटी के दौरान से बैंकों के माध्यम से पैसा उठाता है, कोई भी निवेश कर, कोई भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। तो अगर 100 रुपये लगा रहा है तो करीबन 400-500 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर हम इसका 50% भी लेके चले 15-16 लाख करोड़, और उस 15-16 लाख करोड़ का हम 3 गुना भी लगा के चले या 4 गुना भी लगा के चले, तो हम लेके चल रहे करीबन 50 लाख करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट 50% अगर लोग अपना धरा पे उतारते हैं उससे आती है। अगर ये भी लेके चले कि 2 साल में कर रहे हैं, तब भी हम ये लेके चल रहे हैं कि 25 लाख करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट पहले साल के अंदर आने की उम्मीद है। जिसका मतलब जितना इस उत्तर प्रदेश का GSDP है उतना ही, जितना GDP बनता है उतना ही करीबन निवेश आने की उम्मीद है। तो ये हम लेके चल सकते हैं कि 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर 1 ट्रिलियन के करीब जो बात की जाती है उतना पैसा निवेश होने की संभावना है अगर हम 50% भी इस निवेश को लेके चलते हैं। और जब निवेश आता है तो उसके अलग अलग, सिर्फ बैंकों से किराए पैसे लेने की बात नहीं है या इक्विटी होल्डर से पैसा लेने की बात नहीं है, वो जॉब भी क्रिएट करता है, जो सिस्टम्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, सरकार को भी मजबूर करता है कि चीजें बनाए। और ज्यादातर ये जो निवेश होते हैं छोटे कस्बों में, गांव में, रूरल इंडिया में होते हैं, ये बड़े बड़े शहरों में नहीं होते। क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस तो ज्यादातर इन कंपनी के बड़े शहरों में होते ही हैं, पर जो इनको निवेश करना है, कारखाना बनाना है या कुछ भी काम करना है, चाहे वो टेक्सटाइल्स का हो, हैंडीक्राफ्ट का हो, किसी भी चीज का हो, वो छोटे छोटे शहरों में ही हो सकता है। क्योंकि जमीन भी सस्ती वहां पे है, लेबर भी सस्ती वहां पे है, तो इसलिए रोजगार भी लोगों को, आम आदमी को मिलता है और निवेश का फायदा भी। इससे उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ेगा, मैं आऊंगी इस सवाल के साथ आपके पास। हमारे पास समय थोड़ा कम, अजय वर्मा हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, लगातार बहुत बिजी दिखाई पड़ रहे हैं। अजय जी, थोड़ा सा समय अगर हो तो हमें भी दे दीजिए। अजय वर्मा जी, विकास की राह, उत्तर प्रदेश के रास्ते, 2024 की उड़ान, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, देश के लिए, उत्तर प्रदेश से ये राह गढ़ी जा रही है 24 तक के लिए, कितनी तैयार है कांग्रेस? मैं प्रीति जी बिजी नहीं था, मैं झूम रहा था सुन के कि उत्तर प्रदेश में विकास की बहार बह रही है। मैं जो है अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पर हर प्रत्येक घर को नौकरी मिल गई है। अब 2017 के बाद 2022 तक कोई गरीब नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। लोग ताला खोल के सो रहे हैं हर गांव में, हर शहर में, और क्राइम नाम की तो चीज़ जीरो है। ये जो अपोजिशन के लोग हैं झूठ बोलते हैं, ये देशद्रोही हैं, ये उत्तर प्रदेश द्रोही हैं। और यहाँ पर लोग सुबह दोपहर शाम राम 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 शाम 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 करके बिल्कुल ऐसे जे रहे हैं जैसे मोदी जी तो कह रहे हैं ऑक्सफोर्ड रिसर्च करेगा, कांग्रेस क्यों गर्त में जा रही है। जी जी, तो मैं ये बड़ा झूम झूम का खुश था कि चलो हमारा प्रदेश इस स्टेज में पहुंचा। हाँ, ख्वाबों में ही पहुंचा चाहे वो, मुझे लगा कि फिर मैंने छूट के देखा कि असल में तो पता चला नहीं है तो ख्वाब है। देखिए, जिस वक्त 2017 में सरकार आई थी, सम्मानीय योगी साहब आए थे, तो एक वादा किया गया था उत्तर प्रदेश 90 दिन में बिजली युक्त होगा, 90 दिन में अपराध मुक्त होगा और 90 दिन में गड्ढा मुक्त होगा। 2023 आ गई, 5 साल वो गुजर गए। लाइए मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, एटा, मैनपुरी, इटावा, 75 नाम गिनाऊँ मैं, हर जगह के मोहल्ले के अगर आपको दिखा दूँ और सड़कों के हालात दिखा दूँ आपको और गंदगी के अंबार दिखा दूँ, पार्क के दिखा दूँ आपको, तो आप कहेंगे कि विकास में केवल आंकड़ों की बाजीगिरी में ये सरकार और योगी सरकार। क्राइम का बात देखा जाए, महिलाओं में नंबर 1 पर क्राइम में,
इस रिपोर्ट पर लीजिए एनसीआरबी की। क्राइम का जो फॉर्मूला है उत्तर प्रदेश का वो फिट रहा और इसीलिए ये ग्लोबल एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़े सब, एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़े नंबर एक। दूसरा एडीआर की रिपोर्ट ये कह रही है, सभी पढ़ लें। मैं नहीं कह रहा कि उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा विधायक यानी 50% से ज्यादा विधायकों के ऊपर घोर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मामलों की रिपोर्ट दर्ज है। तो ये है स्वच्छ राम जी का प्रदेश या योगी जी का प्रदेश। अब आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में सम्मिट की और उत्तर प्रदेश में व्यापार और नौकरी रोजगार की बात। कोविड जब आया था तो हाल आपने देखा था, गंगा जी में लाशें किस तरह से तैर रही थी उन गरीब आदमियों की और लोग सड़कों पे भाग रहे थे। उससे आगे नहीं बढ़ेंगे आप, एक मिनट फाइनल करो। रोजगार चाहिए तो आगे आपको रोजगार सृजन भी तो करना पड़ेगा। कैसी बातें करते हैं भाइयों बहनों मित्रों, कैसी बातें करते हैं। 14 में एक वास्को डिगामा साहब आए थे और कहा था मित्रों मैंने खोज की है, 2 करोड़ नौकरियां आपको दूंगा, 15 लाख दूंगा, चप्पल वाले जहाज में जाएंगे। चप्पल वाले तो जहाज में नहीं गए, अडानी साहब के जहाज में खुद जरूर जाते हैं। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी आप बोलते अच्छा है, लेकिन कभी कभी आपने कहा कोरोना की आपने दलील दी। हम सब मानते हैं कोरोना भयावह स्थिति लेकर आया था हमारे देश, हमारा देश उससे निपटा बहुत हानि तो कर दूं। आपको मैं बहुत आसान शब्दों में थोड़ा ना छोड़ूंगी सर, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। आपने बोला कि कोरोना के बाद देखिए लाशें वहां बह रही थी, मैं कह रही हूँ उससे वापस निकलिए ना सर, उससे बाहर आइए। जो त्रासदी हो गई उसको बैठकर रोते रहेंगे या फिर आगे अपने देश के विकास के बारे में सोचेंगे? वापस आप वहां पर प्लांट्स लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, आप आगे की बात क्यों नहीं करते? लोग संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं जो आसमान में कहीं विराजमान है, संसद में देश की सबसे बड़ी संसद में। मैं 2 साल पहले की भी ना करूं प्रीति जी, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। प्रेम कुमार, मैं 2 साल पहले की भी ना करूं, 50-70 साल पहले की बात, संवैधानिक मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बना। जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं बात नहीं करूंगा, बताइए। प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे आप, अच्छा है। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जब बनूंगा तब मैं ये बातें नहीं करूंगा, माफ कीजिएगा। प्रेम कुमार जी बताइए, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, बीजेपी इस रास्ते जिस तरीके से फर्राटेदार रफ्तार से आगे बढ़ रही है, 24 तो साध लेगी सर। साथ ही ये भी उन्होंने संसद में कहा है, कल राज्यसभा में भी कहा कि रिसर्च करवा लीजिए क्यों गर्त में जा रही है कांग्रेस, वो भी ऑक्सफोर्ड के ऊपर। देखिए अभी हम लोग प्रीति जी बात कर रहे हैं निवेश पर और बहुत अच्छा लगता है, क्लैपिंग मोमेंट होता है जब ऐसी उम्मीद जगती है कि इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, आने वाला है। पिछले बार भी हुआ, उस समय भी क्लैपिंग मोमेंट था और उस समय भी लग रहा था देश में ऐसा निवेशकों का मेला तो कभी लगा ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, अभी 1.5 साल पहले व्यापार मेला, रोजगार मेला लगाया गया था उत्तर प्रदेश में, हर घर में रोजगार देने की बात योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। आप लोगों के साथ ही डिबेट में हमसे इसी माहौल में बताइए रोजगार मिलेगा तो आपको खुशी नहीं होगी? थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे हुए, मैं तुरंत आती हूँ प्रेम कुमार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे हुए हैं, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 पे। उनके साथ इस वक्त मौजूद मुंबई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री मुंबई के, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा समाज के लोगों के साथ वहां खड़े, और साथ ही आप देखिए प्रधानमंत्री उनका अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले यानी कि तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले उत्तर प्रदेश में थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत उन्होंने किया, उसके बाद तुरंत मुंबई पहुंचे, वहां से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और अब बोहरा समाज के लोगों के साथ प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीर हमारे पास आ रही है, सीधी तस्वीर हमारे पास आ रही है। और एक बार फिर से हम चलेंगे, हमारे साथ जितने मेहमान बने हुए, प्रेम कुमार जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हमें ब्रेक पे भी जाना। प्रेम कुमार जी बिल्कुल, देखिए हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि जिस तरीके से निवेश लाने की बात कही गई है वो तो उससे 1 ट्रिलियन तो निवेश हो जाएगा आने वाले 2-4 साल में, तो 1 ट्रिलियन निवेश होना, 23 करोड़ की आबादी, ये तो एक तरह से योगी जी ने चुनौती दे दी है नरेंद्र मोदी जी को, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देने वाली बात उत्तर प्रदेश में तो सच होने जा रही है। 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार देंगे तो क्या प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना, अरे मैं कह रही हूं कि रोजगार होना चाहिए, मैं कह रही हूं रोजगार देने पे आ गए, कह रहे हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, हम सृजन कर रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम है। हम तो बहुत खुश है, हमसे तब भी कहा गया था कि हर घर में नौकरी मिलेगी तो आप खुश नहीं होंगे क्या? अरे हम क्यों, हम ही से हम नाराज होंगे, ये उनको पहले से पता चल गया।
हम सवाल करेंगे तो उनको पहले से पता चल गया। अरे हम खुश होंगे भाई, हर घर में नौकरी दीजिए, ये निवेश आए, एक करोड़ एक ट्रिलियन रुपए का निवेश आए, हर उत्तर प्रदेश के नागरिक पर बैठ जाएगा लगभग 15 लाख रुपया, ये तो सपना सच हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश में, हम क्यों ना खुश हों। लेकिन पहले जो हुआ उसका भी तो हिसाब किताब रखिए, पहले जो उसका हिसाब किताब हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं, उनसे लेते हैं हिसाब किताब, क्या कह रहे हैं शरद त्रिवेदी जी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा समाज के लोगों के साथ मौजूद, मुंबई से लाइव तस्वीर इस वक्त हमारे पास आ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे, और ये लाइव तस्वीर हम आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के उनके साथ मौजूद, और दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, और लाइव तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक पहुंचा रहा, कई मायने हैं इस तस्वीर के, और साथ ही जिस प्रेम भाव के साथ बोहरा समाज के लोगों के साथ प्रधानमंत्री हाथ में हाथ डाले सीढ़ियों को, एक एक सीढ़ियाँ उतर रहे नीचे, उसे घनिष्ठता प्रेम और सद्भावना की एक जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आ रही है, और ऐसे में बड़ी तस्वीर इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में और दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत किया। प्रधानमंत्री की तस्वीर हम आपको बता दें, दाऊदी बोहरा समाज की तरफ से आज कार्यक्रम रखा गया था, उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में उन्होंने शिरकत की दाऊदी बोहरा समाज के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, वहां से रवाना किया, देश को संबोधित भी किया प्रधानमंत्री ने। उससे ठीक पहले, तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में थे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में, प्रधानमंत्री ने शिरकत की, काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज वहाँ नजर आए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हमारे पास आ रही है वो मुंबई से आ रही है, दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करते हुए, और बड़ी तस्वीर है ये आज की, आप इसके राजनीतिक कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। प्रेम कुमार जी, दाऊदी बोहरा समाज के साथ प्रधानमंत्री का आना, ये हम तो खैर बात कर रहे हैं दूसरे टॉपिक पे, लेकिन मैं उस पर आऊँगी, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि आप पत्रकार हैं और ऐसे में बोहरा समाज के लोगों के साथ जब प्रधानमंत्री चढ़ते हुए ऐसे आते हो रहे थे घनिष्ठ, एक बहुत बहुत अलग सी छवि है प्रधानमंत्री की, और साथ ही जिस तरीके से बातचीत करते और एकदम बहुत ही मेल मिलाप के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, एक अलग ही छवि है, कैसे कैसे इसको देखते हैं आप? लेकिन प्रधानमंत्री बोहरा समाज के बीच हैं तो ये उल्लेखनीय है और ये प्रशंसनीय है, और ये बात अगर हम पॉलिटिकली बोले तो बताती है कि 2024 नज़दीक है, ये बात बता रही है, तो इस हिसाब से हम देखें, चूँकि आम तौर पर ये पॉलिटिकली देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति बनाई है कि 2024 में कैसे मुसलमानों का वोट पाया जाए, तो जी प्रधानमंत्री तो कर ही रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप उड़ान जिस तरीके से भरी जा रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हम बात कर रहे थे, और कई काफी बड़े बड़े सवाल भी अभी हमारे साथ प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार ने पूछे हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सबसे पहले शरद जी सवालों के जवाब दीजिए, उसके बाद फिर हम आएंगे अजय वर्मा जी के पास। देखिए पहली चीज तो मैं, शायद मुझे जानकारी नहीं है, हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं वो अगर बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री योगी जी या किसी जिला अध्यक्ष या बूथ अध्यक्ष के जो भाजपा का है उसने ये कहा हो कि हम 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। हमने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जो हिस्ट्री है वो दुगनी हो चुकी है, ये आंकड़े सरकारी है, ये आप वेबसाइट पे जाके, ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने जिस तरह का कार्य शैली अपनाई है उससे उत्तर प्रदेश ईज ऑफ बिजनेस पे दूसरे नंबर पे आ गया है, और हीना नंदानी ग्रुप के चेयरमैन ने ये बात कही है कि पहले हम लोग उत्तर प्रदेश जाने से डरते थे, हम लोग निवेश। अजय वर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, कुछ बड़ा भी रहे कुछ बोल भी रहे, पूछ ही लीजिए आप डायरेक्ट।
भाई आप शरद जी आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने की बात हुई थी, 2 करोड़ तो आपने उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर और 22 तक कितनी दी है जरा मुझे बता दीजिए, पूरे देश में या मैं बताऊं आपको, 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने की 8 साल में 16 करोड़ की नौकरी छिन जरूर गई है। अच्छा आपका जो प्रमुख व्यवसाय था पकौड़े तलने वाला, वो सरसों का तेल महंगा होने से उस पर भी गाज गिर गई। तीसरा अब आप आंकड़े ही सुनना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आप पर देश में 144वें नंबर पर पहुंच गया प्रति व्यक्ति आए, यानी बांग्लादेश पहले हमारी तुलना होती थी जर्मन से, तुलना होती थी हमारी अमेरिका से, ब्रिटेन से, अब आप तुलना करते हैं आपके ही नेता और आपके ही प्रवक्ता पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से। अच्छा प्रति व्यक्ति कर्ज जो है भारत में प्रति व्यक्ति 1.09 लाख हो गया है, मैं नहीं कह रहा ये आंकड़े कह रहे हैं, ये तरक्की है देश की। भारत में 100 अरब से ज्यादा व्यापार घाटा हो चुका है 2023 तक, 11 लाख करोड़ का कर्जा आपकी सरकार और आप अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर चुके हैं। कल मेरे पास एक गरीब व्यक्ति का फोन आया, उसके फादर की डेथ हो गई, उसके जवाब भी ले लीजिए, और उसकी किडनी खराब हो गई, वर्मा जी 60,000 के लोन के लिए पुलिस उसके पीछे घूम रही है। जवाब जवाब अकेले आप ही नहीं बोलिएगा, बोलिए त्रिवेदी जी। देखिए ये लोग अमेरिका को बहुत मानते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मानते हैं, हार्वर्ड को मानते हैं, तो अमेरिका ही रिपोर्ट दे रहे हैं। हाँ। ये अमेरिका की रिपोर्ट हाँ, है, हाँ, आपके फेवर में आ जाए तो दे रहे हैं। हिंडनबर्ग ने एक ही एक एप्लीकेशन पे 58% साहब के मित्र के डाउन हुए शेयर, चाहे वो मैं कह रहा हूँ हिंडनबर्ग झूठ है, फ्रॉड है आपके कथनों के अनुसार, एक एप्लीकेशन पर 58% शेयर नीचे गए, आगे क्या होगा मेरे भाइयों। भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है आपके कागजों पर, आप बात सुन लीजिए ना, मैंने आपके कोई टिप्पणी नहीं करी, सुन लीजिए सुन लीजिए, बीच में बोलेंगे अजय जी तो फिर काउंटर नहीं कर पाएंगे, उन्हें बोल लेने दीजिए, बोलिए त्रिवेदी जी। शरद त्रिवेदी, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, डिफेंस में हम प्रोडक्शन में आ गए हैं, इनकी दिक्कत यह है कि हमारे उद्योगपति क्यों आगे बढ़ रहे हैं। 2011 में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, आप सुधार कर लीजिए, 2011 में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, ये आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा। तो आप कह रहे हिंदुस्तान में नया जादू का मंत्र और कौन सा घोल करा दिया कि साहब 5वीं हो गई है। अब मैं अगर आंकड़ों की बाजीगरी कर दूं, कोई प्रति व्यक्ति कर्जा नहीं 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 लेकिन नहीं नहीं लेकिन अजय जी अगर 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 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है और उसमें प्रीति जी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है किसी देश की समृद्धि और खुशहाली दिखाता है, 2014 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे हम 111 नंबर पे थे और 2023 में हम 139वें नंबर पे पहुंच गए हैं। अरे तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कोई मतलब भी तो होता है सर, आप अपनी बात रटे जा रहे हैं। नहीं आप काउंटर कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन नई चीजों का आप अच्छी चीजों का स्वागत भी तो कीजिए। नहीं नहीं सर, क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, हमें नौकरी दीजिए, क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन हर बात पे क्रिटिसिज्म अच्छी अपनी जगह नहीं है। आगे बढ़ाइए, भारत की दशा सुधारिए। अली अब्बास काजमी भारत की दशा सुधर रही है सर, सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा ने कितनी दशा सुधारी भारत की? भारत जोड़ो यात्रा में देश में कितनी दशा सुधरी है भारत की, आपसे कोई पूछे? हम क्या देश के प्रधानमंत्री हैं तो हम सुधार देते? हम लोग को अपोजिशन का काम कर रहे हैं। अरे जब आपसे सवाल पूछा था तो हम देश के प्रधानमंत्री है क्या? जब यात्रा निकल रही थी तो आपने कहा था हम तो हम देश को सुधारने निकले, यहाँ पर नजर बंद कर जा रहे हैं। नहीं सर, जब आपसे सवाल आता है तो सरकार में नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अली अब्बास काजमी ऐसे नहीं होता सर, आपसे जब सवाल पूछा जाए आप बताइए आपने कितना देश को सुधारा? बताया तो था हम 2011 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था थे, 2014 में केवल बैंकों का जो डेब्ट था 253,000 करोड़ का, 11,000 करोड़ से इन्वेस्टर समिट को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? प्रीति जी मैं तो इतना ही कहूंगा कि माननीय जो प्रधानमंत्री जी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, ये जरा किसानों की सुध ले ले, क्योंकि मुजफ्फरनगर में किसान जो है एक महीने से धरने पर बैठा है, और माननीय जो नरेश टिकैत जी जो है वो आत्मदाह करने के लिए बैठे हैं, उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है, जो देश का अन्नदाता है उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है, और आप जो है ऐसे ही जो है लाखों करोड़ रुपए बांट रहे हैं, देश का मजदूर देश का किसान जो है परेशान है, बेरोजगार है, किसानों के बच्चे जो है वो सड़क
अली अब्बास जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब क्या होता है एक बार मैं बात कर लेती हूँ, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमारे साथ अग्रवाल साहब भी, एक सेकेंड प्लीज। अमन अग्रवाल जी, क्या इन्वेस्टर, हम सब खाते हैं उसकी कोई बात नहीं। अमन अग्रवाल जी, क्या इन्वेस्टर समिट का मतलब पैसे बांटना है, क्या इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना है, अपने राज्य में पैसे बढ़ाना है? पहले समझ तो लीजिए इन्वेस्टर समिट होता क्या है। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, बोलिए आत्महत्या कर रहे हैं, बताइए, हम इसका जवाब दिलवाइए। आपने कहा पैसे बांट रहे हैं। अमन अग्रवाल जी, क्या इन्वेस्टर समिट के द्वारा सरकार पैसे बांटती है या इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में लेकर आती है, पहले ये क्लियर कीजिए सर। देखिए जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो सरकार होती है, कोई भी ऐसी समिट होती है, उससे जो है निवेशकर दुनिया भर से, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या बाहर का हो, वो पैसा लाके निवेश करने की बात करता है। कुछ जरूर बैंकों के दौरान उठाता है, उसमें सरकार नहीं देती है, बैंकों के दौरान पब्लिक डीलिंग से जो जैसे होती है नॉर्मल तरीके से उठाता है, कोई सरकार का बांटने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, इक्विटी से उठाता है तो उसमें भी वो लोगों से लेता है, उसमें भी कहीं बांटने वाली बात नहीं है। जहां तक प्रोग्रेस की बात है, अगर हम देखें पिछले साल का इस सरकार का बजट, यूपी सरकार का, वो करीबन 6.15 लाख करोड़ का था, जबकि इस सरकार ने करीबन 33,700 करोड़ जो है ऐड किया उस बजट के अंदर खर्चा करने के लिए, ताकि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बढ़ोतरी की तरफ बढ़ सके, खर्चे बढ़ाए गए, चीजें की गई जो नॉर्मली किया नहीं जाता है, इसमें भी नॉर्मली सब बजट से थोड़ा कम ही रहता है। दूसरा, हम देखें कि अभी भी प्रोजेक्शंस जो है ज्यादा की हैं, तो कोई भी ऐसी समिट की जाती है, हम ये सोचें कि 100% उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, वो नहीं होता है कहीं पे भी। कोई भी जो निवेशकर आते हैं वो चीजों को देखते हैं, पर ये चीज देखना जरूरी है कि पहले जब उत्तर प्रदेश की समिट की जाती थी वो अलग अलग प्रांतों में की जाती थी, कहीं मुंबई में की जाती थी, कभी कहीं की जाती थी, अब ये उत्तर प्रदेश में ही की जाती है। तो लोग जो है, जो व्यवसाय करने वाले हैं, हर साल प्रति साल जो व्यवसाय करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना कारखाना खोलना चाहते हैं, उनकी पैदावार, उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और ये क्लियर चीज दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनको ग्रोथ नहीं मिल रही होती, उनके पैसे को ग्रोथ नहीं मिल रही होती, तो यहाँ पे आके निवेश करने की बात क्यों करेंगे? ठीक है, प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। प्रेम कुमार जी, सख्त सरकार है, कानून कठोर है वहां पर उत्तर प्रदेश में, इसीलिए इन्वेस्टमेंट की भरमार भी देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में, कैसे देखते हैं आप? हम तो अपेक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो, निवेश आए और रोजगार मिले। जो हर घर रोजगार देने का वादा 1.5 साल पहले हुआ रोजगार मेले में, वो अमली जामा पहने तो ये अच्छी बात होगी। सिर्फ आशंका और चिंता की बात यही होती है कि इवेंट्स कर लिया जाता है, 700 करोड़ रुपीस का एडवर्टीजमेंट दिया गया। बहुत बड़ी बात, मैं फोटो दिखा सकता हूँ कि कोई अखबार बाकी नहीं है जिसका पहला और पिछला पन्ना जो है उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में विज्ञापन नहीं छापे हूँ। तो अगर इस विज्ञापन का प्रतिफल निकलता है तब तो वेलकम है, अगर प्रतिफल नहीं निकलता है तो आपने 700 करोड़ डुबो दिए। ठीक है, ये बात मैं ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल इन्होंने पूछा, प्रेम कुमार जी ने, शरद त्रिवेदी जी ये पूछ रहे हैं, एक सवाल, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब ले लेते हैं प्लीज। शरद त्रिवेदी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल प्रेम कुमार जी ने पूछा कि ठीक है, आपने आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है, और हम स्वागत करते हैं, स्वागत करने योग्य ये कार्यक्रम है, लेकिन हम स्वागत ज्यादा तब करेंगे जब ये धरातल पर सच साबित होगा, कागजी नहीं होगा। ऐसे कई कार्यक्रम हमने देखे लेकिन धरातल पर वो नगण्य और शून्य नजर आए, क्या कहेंगे आप इस पर त्रिवेदी जी? शरद त्रिवेदी जी, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास सुनिएगा प्रेम कुमार जी, विपक्ष के उनके शासन काल में देश का सिर्फ एक काम था कि लेबर सप्लाई करना। आप हरियाणा जाइए, पंजाब जाइए, वहां वो कहते थे जी, हमने पूछा क्या दिक्कत है, वो कहते जी भैया नहीं आ रहे उत्तर प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश खाली लेबर सप्लाई का काम करता था। शरद जी, 30 लाख लोग उत्तर प्रदेश के बाहर में नौकरी कर रहे हैं, 30 लाख। जवाब तो लेने, मैंने आपके बीच में कोई टिप्पणी नहीं करी, एक बार बोल रहे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, प्लीज बोल रहे, ये मैं आपके पूरा सम्मान करता हूँ आपका। और जब हम लोगों ने ये बात कही थी, जब ये इन्वेस्टर समिट इससे पहले हुआ था, उस समय हम लोगों ने ये कोरोना हम नहीं लेके आए थे, और यूक्रेन पे हमला हमने नहीं किया था, लेकिन उसका खामियाजा पूरी विश्व को भुगतना पड़ा था। तो कोई भी इन्वेस्टर समिट जब अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, सब लोगों को रोका जा रहा है, हम लोगों को सील किया जा रहा था एक एक एरिया में, उस समय कोई निवेश नहीं करता।
अब वो जो हम लोगों ने बीज बोया था अब वो फसल काटने की नौबत आई है। हीरा नंदानी ग्रुप के जो 1.5-2 लाख करोड़ की कंपनी के मालिक है, अगर हो सकता वो छोटे होते तो बता दिया जाता, हम उनसे पैसे देके बैंक करवा रहे। उनको खुद कहा कि साहब पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने से जाने से डरते थे, अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी, क्राइम की व्यवस्था इतनी खराब थी कि हम लोग उत्तर प्रदेश नहीं जाते थे। अब हमको पूरा विश्वास है जिस तरह का काम पिछले 5-6 साल में हुआ, हम लोग निवेश करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये अकेला भारत में राज्य है जिसमें अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट इतने हैं। सेकेंड नंबर पे ईज ऑफ बिजनेस हुआ है, ट्रांसपोर्ट जीएसटी जो राष्ट्रीय स्तर पे भी जो नीतियां ली गई। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अजय वर्मा जी, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं संयम के साथ, और जवाब भी उनका सुनिएगा, फिर उनको बोलने का मौका भी आप दीजिएगा। बोलिए प्रीति जी। मैं अभी हमारे प्रोफेसर अमन साहब कह रहे थे जिम्मेदार आदमी है, एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दिखाती है वही दिखता है आदमी, चाहे वो प्रोफेसर हो या कोई हो। इन्होंने एक सवाल करा कि साहब इतने का बजट था 33,000 करोड़ और बढ़ा दिए गए। अभी मैं कनेक्टिविटी देखिए जरा सा, 30 सेकंड में कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री देश के जिम्मेदार होते हैं और आइडियोलॉजिस्ट होते हैं और सबके आदर्श होते हैं, हमारे भी आदर्श हैं, लेकिन जब आदर्श झूठ बोले। उन्होंने कहा पेयजल नल जल से 8 करोड़ और 11 करोड़, चलो वो तो आंकड़े अलग थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कहा कि साहब लोगों को पानी दीजिए राजस्थान में, और इसे आप अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए आप ले लीजिए। इस बजट में कोई पैसा नहीं दिया, उनके प्रार्थना पत्र को कैंसिल कर दिया, चिट्ठी लिखी कि इसे ले लीजिए। 39,000 करोड़ रुपए की परियोजना थी, 10% पैसा हमारी स्टेट देती है, बाकी 90% केंद्र देता है। 10% पैसा गहलोत साहब ने कह दिया हम दे देंगे, आप बाकी दे दीजिए, फाइनल कर रहा हूं। लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो संवैधानिक पद पे बैठे लोग झूठ बोले और आंकड़े ये बताते हो कि चिट्ठी हमने लिखी है कि आप ये योजना ले लीजिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना दे, उसके लोगों को जल पिलाइए, तब आप कहां बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या झूठ बोलेंगे? प्रोफेसर साहब आपसे भी नेताओं का काम है झूठ बोलने का। क्या ऐसा होना चाहिए? प्रोफेसर अमन अग्रवाल बताइए क्या झूठ बोला आपने? प्रोफेसर अमन अग्रवाल वो क्या बोलेंगे सर, उनको थोड़े ना राजनीति करनी है, क्या झूठ बोलेंगे वो बताइए। अमन अग्रवाल साहब ने झूठ नहीं बोला। राजनीति के क्या प्रश्न है कि वहाँ पे क्या चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, उनके पास माध्यम है कि वो अप्रोच करें, उनके पास ये भी माध्यम है कि किस तरीके से उस पैसे को लिया जाए। बड़ी रिक्वेस्ट करी जनता के हित में, 8 करोड़ लोगों को पानी के हित में, लेकिन प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने बोलने का मौका दिया। एक सेकंड, देश की सरकार के प्रति सौतेला व्यवहार अपनाते हुए वो रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी और बजट में कोई पैसा नहीं रखा, उसको मना कर दी योजना। तो यहाँ आप क्या राय देंगे, क्या प्रधानमंत्री ने सही कहा? जी ने सवाल पूछा तो संयम से उन्होंने जवाब भी ना मेरे खाते में बीजेपी से एक पैसा आता है, ना भारत सरकार से आता है, ना कांग्रेस से, ना आपसे, ना किसी और पार्टी से, पहली बात। दूसरी बात, जो 700 करोड़ की अभी बात की गई, बिल्कुल ठीक बात की गई, अच्छी बात की गई, ये बजटेड एक्सपेंसेस में आता है। ये ग्लोबल समिट पहली बार नहीं की जा रही, पहले भी की है, उसके बाद से बजटेड एक्सपेंसेस करके किया गया है। और वो 700 करोड़ से रोजगार नहीं होगा क्या? जो न्यूज़पेपर में छपेगा वो रोजगार नहीं देता क्या? जो टेलीविजन चैनल में आएगा वो रोजगार नहीं देता क्या? ये कहना कि वो सिर्फ उड़ा दिया गया मिठाई बांट के, ये गलत धारणा है। 70 सालों में हमने ये सुना, गरीबी हटाओ, मकान दो, सड़क दो, 70 साल में तो गरीबी हटी नहीं, अभी भी गरीबी चल रही है। तो हम ये बात जो है, जुमले जो है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी देती है। मैं राजीव गांधी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इंदिरा गांधी क्लस्टर योजना में, मैं आपको बताऊं कितने मकान दिए गए। सरकारी आंकड़े गलत लगते हैं आपको, एजेंसियों पर भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, पता नहीं कौन से देश की कौन सी एजेंसी पर भरोसा करेंगे आप। अली अब्बास काजमी जी, अजय रहने दीजिए, अजय जी रहने दीजिए। मुखौटे कंपनी, अली अब्बास काजमी और शेल कंपनियां सरकार की गलत नीति और नियत को बताते हैं। मुझे देश के प्रति उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि ये देश की जनता और 140 करोड़ लोग उनको भी उतना ही जिम्मेदार मानेंगे। राजनाथ सिंह जी को भी सुन लेते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करके कुछ कह रहे हैं, शायद कुछ सुन लेते हैं। क्या आप हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में जहां घुसना चाहते हो, जिससे बात करना चाहते हो, बेधड़क जा सकते हैं, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। जिस भी प्रकार का असिस्टेंस आप चाहते हैं वो असिस्टेंस हमारी मिनिस्ट्री आपको प्रोवाइड करेगी। अरे जिसको लेना देना हो वो डरे, हिम्मत है किसी को तो आरोप लगा ले, वो डरे, हम क्यों डरे?
रक्षा मंत्री, उनको आपने सुना कह रहे हैं कि जिनको भी कुछ लेना देना हो, जानकारी चाहिए, बेधड़क हमारे डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, आप तो जानकारी देने को तैयार, अभी आपका एक टारगेट करिएगा क्या? किसी भी नेता की महत्वाकांक्षा की वजह से ना बनने वाले प्रधानमंत्री और वर्तमान में रक्षा मंत्री अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, जेन्युइन नंबर तो उन्हीं का था, मैं सुन रहा था उनको अभी, वो जो कह रहे थे, अरे भाई आंकड़े की हम पूछने भी जाएं और बताएं भी तो सही, आप सुनते कहां हैं? जो पूछेगा वो राष्ट्रद्रोही, उसके खिलाफ 124 से, उसके खिलाफ 188, कितने पत्रकार, कितने जर्नलिस्ट, कितने अपोजिशन के नेता, कहां आप सूचना देते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, अली अब्बास काजमी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप। काजमी साहब, आपकी आवाज आनी बहुत जरूरत है, देश को जरूरत है भी समाजवादी पार्टी की आवाज की, बताइए जी। हम हमेशा आवाज उठाते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी अभी कह रहे थे कि हम उनसे सवाल पूछिए, हम उनसे सवाल पूछते हैं कि ये चार चार साल की नौकरी जो जवानों को दी जा रही है, कल को ये क्या करेंगे आके, ये बताइए। हम सवाल पूछ रहे हैं, हम आपके माध्यम से सवाल कर रहे हैं कि अग्नि वीर के नाम पे जो ये हमारी आर्मी को, हमारे फौज का जो है, किसका जवाब थे बंगाल के, उन्होंने कहा था कि ये चार साल बाद अग्निवीर बीजेपी के कार्यालय में चौकीदारी का काम करेंगे, उनका स्टेटमेंट था। चौकीदार के लिए आर्मी के लोग, आर्मी के कैडेट, आर्मी के जवान, भारत का घर, बीजेपी के कार्यालय में चपरासी की नौकरी करेंगे, गार्ड का काम करेंगे। मैं नहीं कह रहा, इनके जो भारत सरकार में जो इनके मंत्री भी रहे हैं, शरद त्रिवेदी जी, देखिए ये अग्निवीर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री संसद में पूरे बयान दे चुके हैं, और अग्निवीर की स्कीम का मतलब ये नहीं, दूसरे टॉपिक पे नहीं, अभी राजनाथ जी ने जो कहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे, उस पर हम बातचीत करेंगे, दूसरे टॉपिक पे मत जाइए प्लीज। किस साल का लड़का 40 लाख रुपया लेके फौज से बाहर निकला, वो भी 75 खाली, 100 में 75 बाहर आएंगे और उनको भी वो सक्षम होंगे। चलिए अमित शाह जी, गृह मंत्री भी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तमाम दिग्गजों, एमएसएमई के लिए अपनी नीतियों को वो सुस्पष्ट कर दे। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में सिर्फ एमएसएमई के लिए नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गृह उद्योग के लिए भी नीतियां स्पष्ट कर दी है, उसको भी बढ़ावा दिया है, एमएसएमई को भी बढ़ावा दिया है। और इसके लिए मैं जब सुन रहा था कि 1,40,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं, मैं सभी एमएसएमई क्षेत्र के यहां जो इन्वेस्टर आए हैं उनको कहता हूं कि आप हौसला रखकर आगे बढ़िए, यही रास्ता है बड़ा बनने का, यही रास्ता है देश के विकास में सहभागी होने का। देश सारी बड़ी इंडस्ट्रियां यहां आ रही है, मैं तो उत्तर प्रदेश शासन को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मुख्य सचिव जी को भी कहना चाहूंगा, एक बड़ी कंपनी के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री कौन कौन सी लग सकती है, इसके पोटेंशियल को जांच कर एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए एमएसएमई उद्योगों को निमंत्रित करना चाहिए, जिससे वो स्पेसिफिक दिशा में चले जाएं, क्योंकि आपको आपका बाजार ही नहीं ढूंढना है। अगर बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी आई है, डिफेंस की कंपनी आई है, तो उसके कलपुर्जे बनाने की आप एमएसएमई इंडस्ट्री डाल दोगे तो आपको मार्केट नहीं ढूंढना है, इसके बाद में जमीन दे दो, जीरो ट्रांसपोर्टेशन से आपका उत्पाद वहां पहुंचाएगा, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक से आने वाला ट्रांसपोर्टेशन के कारण इसको कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए जो पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने की है वो प्रशंसनीय है, और मित्रों जब तक किसी भी राज्य में टोटल इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होता है तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ती। कितना भी बड़ा इंडस्ट्री लेकर आइए, देश में बंद पड़े हुए कारखानों की बहुत बड़ी सूची है, क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम ठीक नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रोजगारी को आपने एड्रेस नहीं किया, रोजगारी का विकल्प नहीं ढूंढा, तो इकोसिस्टम कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और रोजगारी देने का मादा अगर सबसे ज्यादा किसी में है तो कोऑपरेटिव और एमएसएमई में है, ये दो ही रोजगारी दे सकते हैं। 22 करोड़ का राज्य अगर रोजगारी के लिए चिंता करे बगैर
अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाता है कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं इसीलिए कहता हूं कि एमएसएमई के लिए जो पॉलिसीज बनाई है और एमएसएमई के ऊपर जो योगी सरकार ने थ्रस्ट दिया है वो आने वाले दिनों में। तो आपने देखा कैसे अभी खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, संबोधित कर रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को। हम फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, पर समय थोड़ा कम है, लेकिन जो अभी अमित शाह कह रहे थे उसी पर फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बड़ी पहल है जो कि उत्तर प्रदेश कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा। और साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसएमई के जरिए आप देखिए जिस तरीके से निवेश आएगा, हम कहते हैं निवेश का मतलब होता है किसी भी सेक्टर को पंप करना, और जब पंप होती है पॉजिटिव तरीके से होती है तो उद्योग तो वो फ्लो करता ही करता है। शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता अली अब्बास काजमी जी से, अमित शाह ने अभी जो कहा उसके ऊपर फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी प्रीति, ये अभी माननीय गृह मंत्री जी जो बोल रहे थे कि एमएसएमई, ये तो आंकड़े आप ही बता दीजिए या बीजेपी के प्रवक्ता बता दें कि देश की कितनी परसेंट एमएसएमई बंद पड़ी है इस वक्त आपकी पॉलिसी के तहत। आपके जीएसटी ने 40% एमएसएमई को जो है ताले लगवा दिए एमएसएमई में। फाइनल कमेंट ठीक है त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी, फाइनल कमेंट उनकी भी सुन ले लीजिए। संकल्प मोदी जी ने लिया था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का, उसमें वो संकल्प जो किया है माननीय योगी जी ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ अप्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, फाइनल कमेंट। जब कभी भी निवेश के प्रस्ताव आए वो वास्तविक रूप में आए और लोगों को रोजगार मिले तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। राजनीति तो अपनी जगह है लेकिन निवेश के लिए जब कोई पहल होती है तो वो जमीनी रूप पर उतरे, इसका सब लोग स्वागत करेंगे चाहे पक्ष में हो या विपक्ष। बहुत बड़ी बात। अजय वर्मा जी, फोटो सेशन, घूमना पार्टी, चलिए सरकार का एजेंडा हो सकता है क्योंकि हिटलर भी यही काम करता था, करने दीजिए, उसके भाई हैं सब। लेकिन हमें खुशी होगी कि अगर 10% से भी इसका वो धरातल पे उतरे और लोगों को रोजगार मिल जाए तो उत्तर प्रदेश का सीना गर्व से चौड़ा होगा और हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होगा। पार्टी अपोजिशन अपनी जगह है लेकिन अच्छाई होगी तो अच्छाई होगी, बुराई होगी तो बुराई मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद हुए। साथ ही मैं आपको बता दें जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के नए नए कयासों का दौर जारी है, ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि एक रास्ता है जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए बना रही है और साथ ही यहीं से तय होगा इकोनॉमी, जो इकोनॉमी ग्रोथ है उस पर भी बातचीत होगी, उत्तर प्रदेश को नए आयाम तक पहुंचाने की कोशिश होगी। 2024 भी है, 9 राज्यों के चुनाव भी है, आगे क्या कुछ होगा वो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें आपका फेवरेट प्रोग्राम प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।